कोई श्रीनिवास पांडे गुरुजी के नाम से उसने एक पोस्ट डाला है। उसने कहा कि अब आरक्षण विरोधी लोग सड़कों पे आ गए हैं और जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं अब उनको, मतलब उनको एक तरह से उनको धमकाया है, और संसद मार्ग पर, जंतर मंतर पर पुलिस की मौजूदगी में भारत के संविधान को जलाया जाना और उसके बाद उनको पहचान करके पकड़ा ना जाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, क्योंकि भारत का संविधान, जिससे देश का शासन चल रहा है, उस संविधान को खुलेआम इस तरह जलाना और पूरे देश के जो समतावादी लोग हैं, जो मानवता पसंद लोग हैं, या जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उनको एक तरीके से भड़काने की ये साजिश है। इस तरह भड़काने से तो दंगे भी हो सकते हैं, ये गलत है। लेकिन इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई घटना का पुनरावृत्ति ना हो और ताकि कभी कल को ऐसे घटनाओं की वजह से कोई दंगे ना भड़क जाएं, उसको रोकना चाहिए।